गुड आफ्टरनून इन्फिनिटी कनेक्ट। तो मेरे पास एक कॉल आया कि हाँ आज प्रेजेंटेशन करनी है और स्टार्ट करना है कंपनी की प्रोफाइल से। तो मैंने बहुत सारा सोचा कि कंपनी की प्रोफाइल कैसे दी जाए। हाँ एक रैंडम तो सबको पता है कि कंपनी प्रोफाइल कैसी होती है, लेकिन इन्फिनिटी कनेक्ट की मीटिंग है तो कुछ यूनिक करना चाहिए मैंने सोचा। तो बहुत सारी कहानियाँ बनाई सोचता रहा, लेकिन एंड में कहानी सामने होती है और आप ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर। तो कहानी मेरे सामने ही थी। ये कहानी है मेरे क्लाइंट की, जो डेफिनेटली रेफरल था बड़ा बिजनेस शिवेंद्र जी का। वो हमारे पास आए और मैंने उनको अपनी सर्विसेज बताई जनरली जैसे सबको बताते हैं। बस मीटिंग ख़त्म हुई, बिजनेस क्लोज हुआ, तो मेरे पास आए। मैंने पूछा उनसे कि आप रेफरल से आए हैं उनका, आप पूछिए मैं कि कैसे आप तक पहुंचा। मैंने कहा डेफिनेटली एक ऑब्वियस आंसर था कि शिवेंद्र जी ने आपको रेफरल दिया है। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट पॉइंट तो वही है कि वहाँ से मेरे पास रेफरल आया। लेकिन मैं जब रात में बैठा, बाकी लोगों की तरह मैं भी बहुत परेशान था कि शिवेंद्र जी ने मुझे स्टेप बाई स्टेप इतनी सारी सर्विसेज बताई हैं कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट में आपको मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है, डिजिटल पीआर करना है या सेलिब्रिटीज़ को लेकर आना है अपने साथ। मैं परेशान था, इतनी सारी सर्विसेज मुझे एक रूफ के अंदर में कहाँ मिल पाएंगी और जो मेरे बजट को सूट करें। तो मैं फिर गया और परेशान हालत में गूगल बाबा के पास, और गूगल बाबा ने मैंने कुछ कीवर्ड सर्च किए और डेफिनेटली आपको पाया, डिजिटल जगलर्स को पाया। दैट मीन्स तो गूगल बाबा ने कहा तथास्तु। तथास्तु का मतलब मेरा आंसर मेरे सामने होना चाहिए। उनके सामने एक आया, हाँ ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल लगाओ। तो उसने मैंने आपको कॉल लगाया और डायरेक्टली आपसे एक मीटिंग स्केड्यूल कराई। तो फाइनली मीटिंग क्लोज हुई और जब मैंने उसको अपनी सर्विसेज के बारे में बताया और चीज़ें क्लोज हुई, गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, हम लोग आगे निकल चुके हैं। सो गुड आफ्टरनून इन्फिनिटी कनेक्ट, दिस साइड विशाल मेहरोत्रा फ्रॉम डिजिटल जगलर्स। टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंपनी डिजिटल जगलर्स दैट डील्स इन डिजिटल पीआर, वेयर वी कैन गेट यू पब्लिश ऑन फोर्ब्स, एंटरप्रेन्योर, न्यूज़ 18 और दीज काइंड ऑफ मैनी मोर वेबसाइट्स। नॉट लिमिटेड टू दिस, वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग योर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड लाइक ब्लू टिक वेरीफिकेशन सर्विसेज एंड योर विकीपीडिया पेज क्रिएशन डेफिनेटली। Not limited to this, we are also in website development, search engine optimization, Facebook, Instagram marketing, designing and branding services and many more. Thank you. Yeah. Afterwards, in 2019, we have also started NADM, that is National Academy of Digital Marketing, where we provide complete digital marketing training, where we have 2 months, 3 months and 6 months of program under the name of NADM, having our office at Park Road, Hazratganj, Lucknow. Anyone who wants to learn digital marketing or who wants to make their career into this field. Right. So like abhi hamare paas jo, definitely. So our client includes and industries includes but not limited to definitely bada business, Real 11, Pushkar Raj Thakur, Agarwal Corporate and many others. Yeah, please. ब्रांचेस लखनऊ एंड कैनेडा, कैनेडा में जहाँ पे हमारा फ्रेंचाइज ऑफिस चल रहा है। थैंक यू। हाय एवरीबडी, माय नेम इज़ सबा एंड वेलकम टू माय ऑफिस। इट्स रियली नाइस टू होस्ट ऑल ऑफ यू एंड आई हैव बीन इन बिजनेस फॉर द पास्ट 12 इयर्स नाउ। माय हस्बैंड स्टार्टेड दिस कंपनी बैक इन 2010 and currently we are catering to not only national clients, we also have a lot of international clientele, and at our highest we've had about 150 people currently working with us. Right now we are remotely working, so hum logo ko actually apna account bhi nahi pata ki kahan kahan pe kitne log hamare liye abhi currently kaam kar rahe hain. Hamare kafi partners hain jo USA mein hain, a lot of agencies that we cater to, so the kind of exposure that my team gets is incredibly good, and we are always ahead of the curve in understanding where the market is turning and changing our ways according to that. I have not put together a fantastic profile, I think, but it very well covers digital marketing kya karta hai in digital jugglers work, and I'm really happy to do this presentation with digital jugglers. They've been at the top of their game and have been very efficient in the market ever since I've started my own digital company.
सो मैं 2014 में यहाँ पे आई थी और तभी मैंने काम शुरू किया. मेरे साथ यहाँ पर शोभित सक्सेना जी भी हैं जो बाहर चले गए हैं, लेकिन शोभित सक्सेना जी इज़ द वन हु रन्स माय एंटायर डिजिटल डिवीजन. ही इज़ अ फैंटास्टिक मार्केटर. अगर आपके पास कोई कोर क्वेश्चन है ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग एंड हाउ टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, देन शोभित इज़ योर गो टू गाय. मैं बस उनकी मतलब मेरे पास बस ये अपॉर्चुनिटी है कि ये मेरे साथ काम करते हैं, मेरा लक है. बिकॉज दैट गाय इज़ एन एक्सट्रीमली नॉलेजेबल गाय एंड ही इन केस एनीबडी एवर कम्स एंड आस्क्स मी कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है और मुझे सेल्स चाहिए, तो मैं बोलूँगी मैं आपको शोभित का नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ, वो आपको सब समझा देगा. सो शोभित इज़ माय गो टू गाय फॉर दिस. नाउ जस्ट स्टार्टिंग विद आवर प्रेजेंटेशन, आई वॉन्ट टू क्विकली अंडरस्टैंड ये पुश एंड पुल मार्केटिंग इज सच अ जार्गन वर्ड एंड आप लोग इतने डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं, आप लोग इससे क्या समझते हैं? कैन आई गेट एनी आंसर्स कि पुश एंड पुल मार्केटिंग का मतलब क्या है? That is not, that's absolutely not the case. Can I have somebody else who can probably help us? Girish, why don't you give this a shot? Push and pull, dhakka dena aur khinchna. So it is basically marketing, like you are just marketing, pushing your product, or you are pulling your client towards your services and products. Absolutely. So, aap jab bhi ek naya business launch hota hai, तो या कोई इस्टेब्लिश बिजनेस होता है तो उसको एक तरीका समझना पड़ता है कि मुझे, हम लोगों के पास अभी इतने मार्केटिंग चैनल्स हैं. अभी इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट टू सेशंस आप नेहा अग्रवाल जी से मिलेंगे और गुरिंदर जी से मिलेंगे जो आपको एक एब्सोल्युटली डिफरेंट साइड ऑफ बिजनेस समझाएंगे. लेकिन हर चीज़ जो एक बिज़नेस के कोर में होती है कि हम लोगों को मार्केटिंग करनी है उसकी मार्केटिंग. और अगर आप किसी मार्केटर के साथ बैठेंगे, इससे आप तरंग जी के साथ बैठे या गिरीश जी के साथ बैठे या विशाल के साथ बैठे, मेरे साथ बैठे, तो हम लोग आपको इतना ज्ञान देने लगेंगे ना कि आपको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए. बट टुडे द पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस मीटिंग इज़ आपको, आई टेल यू, आपको ये करना चाहिए तो आपको ये क्यों करना चाहिए और आपको उससे क्या रिजल्ट मिलेगा. सो इट विल क्लैरिफाई, दैट विल क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ योर डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग वेयर इन द बिजनेस कर्व डू यू स्टैंड and what kind of channel should you use to promote your business. I hope that is clear to everybody. Fantastic. So I would want to know who out of all of you right now has a digital market, I mean are currently doing digital marketing for your brand. Ma'am, can I understand aapka business kis mein hai? Okay, and what kind of training do you give, do ma'am? So I'm assuming you're a life coach, ma'am. Okay, and can I know your name, please? Vanita, ma'am. Okay, and Misha, I think you have a theater group, right? Okay, so let's take Misha as an example. Misha, aapne mujhe ek baar, a couple of days back, aapne reach out kara tha, and we had interacted also about your business. And I'll take probably your example and Simran ma'am's example. Simran ma'am, because Sachin and Simran ma'am have been way ahead of their game as far as digital is concerned, and we had the opportunity to work together also. So I just wanted to understand, so there are a lot of things that they do right, but I'll give you an example. We'll run through the slides and then I'll give you example between the two businesses, so that way you get a better clarity of where do we really how to market these two different businesses but through the similar channels which are available online. But coming back to digital marketing for your brand, I hope all of you understand that हम लोग डिजिटल पे क्यों जाते हैं. एक तो क्योंकि वो सस्ता है एज़ कम्पेयर टू गोइंग डूइंग अ होर्डिंग. आप एक लाख रुपए की होर्डिंग हज़रतगंज में खरीदेंगे, लेकिन अगर आप एक लाख रुपए डिजिटल पे लगाएं ऑन डिफरेंट चैनल्स, यू माइट गेट अ बेटर कन्वर्जन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा ऑडियंस कौन है, कौन मेरे मार्केट को देख रहा है. एक्सपेंशन. नाउ अज्यूमिंग, लेट्स टेक सिमरन मैम्स एग्जाम्पल. देर आर सम कपल ऑफ पीपल हु ऑलरेडी कम टू ग्लैमरजोन एंड जिनको पता है ग्लैमरजोन क्या है. लेकिन अगर सुरभि इज़ न्यू इन द सिटी एंड शी इज़ लुकिंग फॉर अ गुड सैलॉन इन द सिटी एंड शी सीज़ ग्लैमरजोन एड, तो शी इज़ नॉट, शी इज़ एडिंग टू द ऑडियंस पूल जो ऑलरेडी सिमरन मैम का क्रिएटेड है. तो शी इज़ एक्सपैंडिंग हर बिजनेस थ्रू अ सिंपल एडवर्टीजमेंट विच इज़ लेड ऑनलाइन. सो दैट इज़ एक्सपेंशन. फ्लेक्सिबिलिटी. आई कैन टर्न ऑन माई एड्स, समटाइम्स आई कैन टर्न ऑफ माई एड्स. इट्स नॉट दैट कि मैंने एक महीने का पैसा दिया तो मेरे को एक महीने पे करना पड़ेगा. लेज़र टारगेटिंग. अगेन प्रॉब्ली टेकिंग निशा एज एग्जाम्पल,
मीशा वुड से मेरा जो सेंटर है थिएटर का वो गोमती नगर विशाल खंड में है, और मुझे पता है कि पेरेंट्स इतनी दूर नहीं लेके आएंगे लखनऊ को, तो वो 5 किलोमीटर विसिनिटी में ही अपना एड रन करेंगी, तो उससे इट विल लेज़र टारगेट टू किड्स जो उनको चाहिए। प्लस चीज़ से मुझे इस एज ग्रुप को टारगेट करना है, इनकी मॉम्स अभी शायद ये वाला टीवी सीरियल देखती हूँ, तो उससे उसको टारगेट कर सकती कि इनके बच्चे मेरे पास पोटेंशियली आ सकते हैं। तो वी कैन लेज़र टारगेट और ऑडियंस, बिकॉज यू नो द मॉम इज़ द डिसीजन मेकिंग, द फादर इज़ नॉट द डिसीजन मेकर हियर, एंड यू नो द किड इज़ नॉट द डिसीजन मेकर टू गो टू अ थिएटर ग्रुप, सो यू कैन वेरी वेल टारगेट। बट आप होर्डिंग लगा रहे हो तो आपको पता नहीं होर्डिंग आपकी कौन देखने वाला है। आई होप एवरी वन इज़ इन लाइन विद वॉट आई एम सेइंग। इंटरएक्टिविटी, आई कैन गो हैड एंड टेकिंग मीशाज एग्जाम्पल और सिमरन मैम्स एग्जाम्पल और इन्फिनिटी कनेक्ट्स एग्जाम्पल। इफ समबडी कम्स एंड सेज हे आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इन्फिनिटी कनेक्ट और हे आई वॉन्ट टू बुक अ अपॉइंटमेंट इन योर सैलॉन, समबडी विल इमीडिएटली रिप्लाई बैक एंड से या यू नो यू कैन कम इन एट दिस टाइम, और हे यू नो ताहिरा विल रीच आउट यू फॉर दिस पेमेंट, वाई डोंट यू डू दिस, आपको वो कॉन्टैक्ट कर लेगी। इंटरैक्शन, एन ऑफलाइन मीडियम और ओल्डर मीडियम्स डू नॉट गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। एंड मल्टी मीडिया, आई कैन डू अ ब्रिलियंट वीडियो ऑफ दिस रूम एंड यू नो होस्ट इट इन हैदराबाद एंड सिंग इन्फिनिटी कनेक्ट से, देखो कितना फ्री का ज्ञान मिलता है यार, एंड इट विल बी अ हिट बिकॉज वीडियोज हैव अ मच बेटर अपील, दे सी स्मार्टर पीपल सिटिंग इन अ रूम, फैंटास्टिक अट्रैक्शन फॉर हैदराबाद पीपल टू जॉइन इन्फिनिटी कनेक्ट। मल्टी मीडिया, वुड यू वॉन्ट टू एड ऑन टू दिस? तो मैं आप लोग कुछ पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा मीडियम है या ऐसी कौन सी एडवर्टाइजिंग का फॉर्म है जो आप यहाँ बैठे हुए हैं फिर भी मैं आपको एडवर्टाइज कर सकता हूँ? आई थिंक डिजिटल इज द ओनली वे। गिरीश जी ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, मैं कुछ बाहर ले जाके होर्डिंग दिखा पाऊंगा, यहाँ कमरे के अंदर होर्डिंग या यूनिफॉर्म नहीं ला पाऊंगा जब तक नहीं आपको मैं पैम्पलेट से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दूँ। बट अगर मैं एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन के फॉर्म में कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं इनके फेसबुक पर आ सकता हूँ सामने, या इनको एक छोटा सा पॉपअप का नोटिफिकेशन दे सकता हूँ कि हाँ भैया आओ फेसबुक पर आओ मेरा ऐड देखो। तो दिस इज वॉट डिजिटल इज, मतलब जहाँ पर भी हैं मैं वहीं पर आपके पास आके आप जितना भी बिजनेस शेड्यूल अपना ऐड दिखा सकता हूँ। सो these are the benefits that I've mentioned of digital marketing, which are very clear that of course it can give you measurable results, it can definitely help you increase your revenue, it will definitely get your brand exposure. If I go ahead and if Simran Man plans to start a salon in Kanpur or wants to start a salon in Delhi, I can go ahead and run ads over there, fantastic exposure for the brand. Or I can also track people who are about to take flights to Lucknow during the wedding season, and main Delhi mein ads ko run kar sakti hu कि अगर आप दिल्ली लखनऊ आ रहे हैं इसके लिए, वाई डोंट यू बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी क्विकली, बिकॉज यहाँ पे सैलून सारे बुक्ड हैं एंड आप हमारे पास आ सकते हैं। सो आई कैन डेफिनेटली टारगेट, आई कैन लेज़र टारगेट माई ऑडियंस, डेफिनेटली गुड ब्रांड रिकग्निशन, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। इमीडिएटली शायद ना बिके, ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेरा ऐड एक बार आ गया तो उस पर कन्वर्जन आएगा, लेकिन आप ये खुद सोचिए, इफ़ आई सी अ सर्टन ऐड, आई मेंशन Simran Ma'am's Glamour Zones multiple times over here, and if you go back and see an ad, most of us who will see that ad are likely to click on it and try to experience the brand again, because I'm mentioning it so many times, the brand recall is really strong, and it provides equal opportunities to everyone. If there are other four salons sitting in this particular room, or other four theater groups, or five other trainers sitting here, it will create an equal ground for everybody. It will not say ये वाला brand पुराना था तो मैं उसको ज़्यादा value दूंगा, but it will create a consistent ground for everyone. Vishal, do you have anything to contribute to that? Thank you. So moving on to the next slide, I wanted to. Ma'am, I've just mentioned whatever was there. Yes, yes. So moving on, I wanted to give a small example of a business person who has a chicken curry brand in Lucknow. Random name I have put up. It's Ram's Chicken Curry Shop, which is 30 years old, and and now is seeing this boom of more chicken curry people coming into the city. आपके हिसाब से जितने लोग जानते हैं, and I would really want Tarang sir and everyone in the room to please mention about what are your inputs on this. अगर उस chicken curry brand को Ram को चाहिए कि यार मेरा brand 30 साल पुराना है, लेकिन देखो ये नूरकारी चिकन आ गया है और ये चारों चिकनकारी के ब्रांड्स आ गए, ये कौन चिकन वाले हैं, मेरे को अपना ब्रांड बढ़ाना है, सो अगर कोई लखनऊ आए तो मेरे ब्रांड से आके चिकन खरीदे, सो व्हाट आर द चैनल्स डू यू थिंक दे विल यूज़? एनी गेसेस? मैं
Google My Business. Yes. Anyone else? Simran ma'am? Instagram. How about everyone? Anyone else? Facebook, where we can only display ads, you know, target people who are checking in or something. Anyone else? Pinterest. बहुत लॉन्ग शॉट है बॉस, मुझे तो पता भी लास्ट टाइम मैं पिंटरेस्ट पे कब गई थी. एनीवन एल्स? जस्टाइल इज वेरी क्लटर्ड. आप जस्टाइल पे अपना स्टोर डालोगे तो आपको चिकनकारी के ना होलसेलर ज़्यादा मिलेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू गो एंड इफ यू मेकिंग अ परचेज डिसीजन इन लखनऊ, यू विल नॉट गो टू अ जस्टाइल, यू विल गो टू गूगल एंड से बेस्ट चिकनकारी स्टोर. करेक्ट. हाउ अबाउट यू गिरीश? मुझे कुछ ही नाम पता है तो मैं उन्हीं आपको रिपीटेडली बोल दे रहा हूँ कि बताओ यार. अच्छा, इंडिया मार्ट अगेन इज अ मोर इज अ बी टू बी चैनल फॉर अ बल्क बाइंग. वो सो सुरभि आप बताओ ना कैसे बेचेगा राम अपने कपड़े. अच्छा चलिए. सो आई वुड वॉन्ट सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन हैज़ अ लॉट टू डू विद व्हाट विशाल इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. सो आई वुड आइडियली वॉन्ट हिम टू नो सो आई विल मूव ऑन. सो दिस इज माई सो दिस इज द एग्जाम दिस इज द केस स्टडी दैट आई एम लुकिंग एट. गिरीश मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, क्लास से बाहर कर दूंगी. हाँ सुनो सुनो. हाँ, 3 decades ऑफ ओल्ड बिजनेस अवेलेबल अक्रॉस 4 stores, डेडिकेटेड ऑडियंस स्पेस. लखनऊ के हमने इतने चिकनकारी प्लेयर्स के साथ काम किया है कि मुझे सबका ऐसे ना दुखती दर्द ऐसे पकड़ हुए हैं सबको ये, एंड सबके सारे स्टोर्स चल रहे हैं और सबका एक ऑडियंस सेट बेस सेट है. लोग अगर उनसे खरीदे तो और किसी और बंदे से नहीं खरीदते. दे आर वेरी डेडिकेटेड ऑडियंस सेट. देयर ओनली रिक्वायरमेंट इज कि उसको कैसे बड़ा किया जाए. राम का मैंने जैसे बताया बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है लखनऊ में. आप चिकन खरीदने चलो तो आपको यार साइकिल पे भी बंदा चिकन बेचते हुए मिलता है. एंड आपको बड़े अदा चिकन इज ओपनिंग अ स्टोर इन लूलू मॉल एंड इन पलासियो. सो यू कैन इमेजिन द ब्रेथ ऑफ ऑप्शंस समवन हैज. एंड like other businesses, they want to grow their business, continue with the competition. According to me, and Vishal, I would like you to explain this, please. These are the channels that I would ideally suggest a brand should have. And Vishal, over to you. जैसा कि तरुण जी ने कहा SEO, Google My Business, definitely important है. अब मैं आपसे ही पूछूँ, अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो या कुछ परचेज डिसीजन लेना हो तो आप सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे? गूगल पर जाएंगे डेफिनेटली. सोशल मीडिया इज लाइक अ काइंड ऑफ गार्डन जहाँ पे हम लोग अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने जाते हैं, या हो सकता है जब हमारे पास एक एक्सेस टाइम है वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं. हम लोग वहाँ पर कुछ परचेज करने नहीं जाते, तो वहाँ पर एडवर्टाइज हम इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विसेज है, आप आके इसको देखिए. लेकिन गूगल पे जब भी हम लोग बात करते हैं वहाँ पे कन्वर्जन रेट इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यूज़र आके अपनी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्यूशंस को ढूंढता है. तो डेफिनेटली गूगल करेंगे, उसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक्टिव सोशल मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं. लाइक अगर हम लोग बात करें गो टू, अगर मैं राम चिकनकारी, इनका बेसिक टारगेट ऑडियंस पहले हमें समझना चाहिए. कुछ भी मार्केट स्टार्ट करने से पहले जब तक हम लोग उसका टारगेट ऑडियंस नहीं समझेंगे कैसे उसकी प्लानिंग कर पाएंगे. तो अगर हम लोग उसका टारगेट ऑडियंस समझें, वो कहाँ पे अपना प्रोडक्ट को बेचने वाला है, क्या प्राइसिंग रखने वाला है, होलसेल है, रिटेल है, तो मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चंस आपके आते तो ज़्यादा इंटरेक्टिव होता. दो मुझे लगता है आप एक बार इसको अगर कवर करें क्या उनका टारगेट ऑडियंस है तो और थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है इस सेशन को. सो अगर हजरतगंज में दुकान है, उसका टारगेट लोकेशन है कि वो लखनऊ में अपना प्रोडक्ट को मार्केट करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग लखनऊ में, अगर मैं बात करूँ, यूथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके लिए एक फेसबुक अच्छा पेज जो मैनेज हो, वेल मैनेज हो, जहाँ पे ना सिर्फ वो बेचने की बात कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की बात कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ चिकनकारी के बारे में लोगों को अवेयर भी कर रहे हो कि क्या है, इतना पुराना ब्रांड है लखनऊ को, कैसे वो कैरी कर रहे हैं. लखनऊ कहीं ना कहीं उनके चिकन में दिखना चाहिए, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिखना चाहिए, क्योंकि भाई लखनऊ है और नवाबों का शहर है. सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम डेफिनेटली वी शैल बी कवरिंग. ब्लॉग्स
काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूज़र गूगल पे जाता है तो सबसे पहले उसके पास क्या आएगा, या तो आपकी वेबसाइट आएगी, किस फॉर्म में आएगी, वो लखनऊ में आया है, लखनऊ के बारे में सर्च कर रहा होगा, तो क्यों ना उसके बारे में हम लोग ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करें, इनडायरेक्टली प्रमोट करें, अपनी वेबसाइट को उस तक पहुँचाएँ। So and another very strong element that yes sir please bataiyega isme marketplace ko nahi sir marketplace is not a means for me to promote myself it's another marketing channel or a shop that I'm opening online currently jo hum ek channel use kar rahe hain it is definitely a good marketing tool to have agar mujhe apna brand awareness badhana hai but abhi hum inko as a very small segment and a subset leke chal rahe hain हम ये नहीं बोल रहे कि इतना बड़ा स्टोर है कि ये मार्केट प्लेस से भी जाके इन्वेस्ट करेगा दैट इज़ डेफिनेटली अ सेगमेंट दैट अ लॉट ऑफ पीपल मे वांट टू एक्सप्लोर बट दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट रियली टचिंग अपॉन ड्यूरिंग दिस सेशन व्हाट अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द ऑनलाइन स्टोर हां सो दैट वी विल बी कवरिंग दैट सर शॉर्टली एंड ऑनलाइन पीआर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनीवन इफ आई गो अहेड एंड रीड एन आर्टिकल इन लिटिल ब्लैक बुक दिल्ली सेइंग द बेस्ट प्लेसेस टू गो अहेड एंड बाय चिकनकारी प्रोडक्ट्स इन लखनऊ And I have Ram Chikankari mentioned there. I am bound to go there if I come here. Top 5 things to do in Lucknow when you hit a Mossi airport. Or the finest chikankari pieces to find. So, I will automatically have a lot of attraction to come to it. Influencer marketing. I get Simran ma'am or Surbhi. Talk about... Surbhi. Say that you know guys I bought this really nice kurta and she's an influencer herself considering she has so many followers who are on Infinity Connect and if she goes ahead and says guys I found this really nice kurta nice white chikankari kurta with such finesse Mukesh ka kaam hai aur ye maine is store se kharida hai automatically you will start thinking in that direction ki yaar mujhe bhi na I think next wedding mein na jaake wo kharidna chahiye aur mere par na shayad ye zyada better lagega and aisa hi kuch kharidte hain and email marketing couple of players are killing it ab ada chicken pe jaake dekhiye ada chicken wale aapko har mujhe roz ek email aur aate hain unse jiske andar unke top products unke bed sheets unke upcoming season mein kya aapko un pehna chahiye couple of articles us pe bahut acche se wo apne existing user base ke sath engage karte hain and I am bound to as a user and as a potential buyer I am bound to go to ada chicken website before I actually make a purchase decision So it's very important for me to keep interacting. And Facebook and Instagram ads. Of course, if I'm looking at expanding my user base, जैसे मैंने आपको पहले example दिया था, I would use a Facebook and Instagram ads, जहाँ पे वो लोग अपना presence मुझे दिखाते रहे, they make their presence felt. Now, out of these all segments, you might have noticed there are 4 blocks in a certain color, and in brown, and the other ones are in yellow, and or orange, whatever color you can see. But the top 4 things are a part of pull marketing where I'm attracting a customer towards me and I'm putting content online which attracts them to come and make that purchase decision whereas the other 2 segments are a way of push marketing matlab main bande ko bata rahi hu ki dekho mera brand exist karta hai mere sath aake aap mere brand ko experience kare so that's where we are push marketing where you push your products to your audience and pull marketing where you pull customers towards your product and services I hope this understanding is clear for everyone yes. hai na chota sa example ek push and pull ke upar main dena chahunga like ek chota sa example main mujhe ek office ke liye phone chahiye tha sasta wala ekdam to main gaya store pe maine kaha bhaiya ek sasta wala android phone de do bas mujhe whatsapp chalana hai office ke liye to any guess usne kya naam liye honge kaun se phone mere ko dikhaye honge नहीं रेडमी सैमसंग भी नहीं ओप्पो और वीवो वो मेरे को पोस्ट करने लगा कि भैया ओप्पो ले लीजिए वीवो ले लीजिए मैंने कहा नहीं मेरे को रेडमी चाहिए या कुछ और दिखा दो उसने कहा नहीं ओप्पो ले लीजिए या वीवो ले लीजिए तो दिस आर द काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ पुश मार्केटिंग जहाँ पे वो मेरे को पुश कर रहा था कि आप ओप्पो लीजिए या वीवो लीजिए वहीं दूसरी तरफ दिवाली पर इनको नया आईफोन लेना था शिवेंद्र भाई को वो गए और इन्होंने कहा भैया आईफोन ही चाहिए मेरे को और कोई फ़ोन नहीं चाहिए तो उसने भी ज़्यादा सोचा नहीं उसने कहा भैया तेरा नया आया है लास्ट ईयर तो उसने तुरंत का तुरंत इनको प्रेजेंट कर दिया बस ये पूछा आपको कौन सा लेना है तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ पुल मार्केटिंग जहाँ पे हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं अपना नहीं कर रहे हैं कि ये ले लो लोग खुद ही से चल के आ रहे हैं हमारी तरफ तो इट इज़ द काइंड ऑफ ब्रांडिंग दैट वी आर बिल्डिंग थ्रू सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म्स
रेडमी का आपने एग्जांपल दिया, रेडमी की अगर मैं बात करूँ वो पुल मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अगर आप देखेंगे ना तो वो ज़्यादा स्टोर पे नहीं जा रहा है, वो अपनी ऑनलाइन सेल लेकर आता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे विद इन अ मिनट सारे खत्म हो जाते हैं मोबाइल्स, तो वो लोग खुद ही उसकी तरफ खींच के जा रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ पुल मार्केटिंग एग्जाम्पल। I wanted to give a small exercise to everyone to just ponder over and give your thoughts about it. We are looking at a new bakery which has opened up in Lucknow by the name of Ritu's Bakery. Again, some name which struck my mind while I was making this presentation. It was a new launch, has no awareness. Unke parents ne bola, aap bahut acha cake banate ho, to bola chalo main bakery launch karti hu. Usko 5 din hue launch kare hue. Uski friends and family mein all the papas, uncle, auntie, सबको पता है कि केक बहुत अच्छे बनाती है तो उनके केक बनाती है, बट आगे उसके पास कुछ प्रमोशन नहीं है। सो रितु वांट्स टू प्रमोट हर बिजनेस, शी वांट्स अ टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, शी वांट्स टू टेल पीपल कि आपके घर पे कोई अपकमिंग सेलिब्रेशन हो, व्हाई डोंट यू ट्राई अ केक फ्रॉम माय दैट आई बेक फॉर यू। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट दे शुड यूज? आई कैन जस्ट राइट इट डाउन व्हाटएवर योर रिस्पॉन्सेस आर। बट अभी तो किसी के लिए केक ही नहीं बना है, पापा मम्मी टेस्टिमोनियल देंगे। तरन जी ने बिल्कुल सही चीज़ें कवर करी हैं। सबसे पहले अगर कोई भी आ रहा है, एटलीस्ट मैं उसको सजेस्ट करूँगा एक लैंडिंग पेज ज़रूर बना लो। रीज़न बीइंग, बिना गूगल के सब कुछ बेकार है, बिना गूगल के सब बेकार है। और हम लोग अगर गूगल मैप पेजेस पे ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को टॉप पे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि गूगल तो वो हमारा गो टू फेस है जहाँ पे यूज़र सबसे पहले लैंड कर रहा है, यूज़र को रिक्वायर्ड है तब वो आ रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं से भी गूगल से कम है, बट हाँ उसको अगर रीमार्केटिंग करनी है उसको एक बार तो वेबसाइट पर लेकर आना है ना हमें, कि जहाँ पे पिक्सल कैप्चर कर पाए कि इसका फेसबुक हैंडल है क्या, इसका इंस्टाग्राम हैंडल है क्या। तो एक लैंडिंग पेज तो मैं सजेस्ट करूँगा ही करूँगा। दूसरा डेफिनेटली GMB, जब तक क्योंकि वो बेकरी जो लखनऊ में काम करने वाली है, GMB डेफिनेटली 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में काम करने वाला है, तो अगर कोई लखनऊ का पर्सन सर्च करेगा, अगर वहाँ पे उसका गूगल लिस्टिंग टॉप पे आ रहा है, वो दिख रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास कॉल्स भी आएंगी। और अगर कोई उसकी वेबसाइट पे जा रहा है तो हम उसको सोशल मीडिया पे टैग कर सकते हैं और रीमार्केटिंग एड्स बार बार दिखा दिखा के अपने डिस्काउंट्स ऑफर कर करके कुछ ना कुछ सेल डेफिनेटली कन्वर्जन लेके आ सकते हैं। या ये आपका एक टूल है
जिसको आप जितना यूज करें दिस डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग एंड यू डेफिनेटली हैव अ कपल पीपल विल डू अ टेस्टिमोनियल फॉर यू एज अ न्यू ब्रांड आई एम अज्यूमिंग से इफ आई एम अ 18 ईयर ओल्ड गर्ल एंड इफ आई एम स्टार्टिंग समथिंग आई डोंट हैव मनी टू गेट एन एजेंसी ऑन बोर्ड एंड एक्सप्लेन मी दीज थिंग्स हाउ डू आई स्टार्ट माई फर्स्ट थिंग विल बी यू नो अपने सेगमेंट में बोलती हूँ मेरे पास कोई इन्फ्लुएंसर है आप मेरा केक खा के ना स्टोरी कर देना उसको इधर प्लीज मेंशन माय नेम ऑन या आई माइट सेंड अ नाइस केक टू सुरभि एंड से सुरभि मुझे बताना ना वो केक के ऊपर एक स्टोरी कर देना और उसको कर देना हाँ या व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक स्मॉल लिटिल कपकेक्स एंड गिव इट टू निशा एंड निशा के अपने सब बच्चों को बोलेगी यू नो व्हाट दिस नाइस केक वाज मेड एंड आपको उसके लिए तो प्लीज करना करेक्ट और आई कैन कीप अ केक टेस्टिंग सेशन एट सिमरन्स मैम ग्लैमर्स होम एंड से दीस आर दीस ग्लूटेन फ्री व्हीट केक्स व्हिच विल फिट इन सो परफेक्टली विद द हेल्थ And has the Kiro sprinklers on it. They are the perfect girl. So you should go ahead and have this done. All of you will automatically become influencers in your own segment and your own people who get influenced by you. So I have something to add. Please. You're right in terms of influencers. Because Infinity Connects literally banani everything. Because everybody started talking about it on social media and everything. Because otherwise, when it's just a kid, I never did. I'm a very strong believer that if I would have, like Tarang sir had mentioned, I would go ahead and I would create a small little video of my this thing, maybe put a small testimonial that I love this cake which came, or probably I have, you know, sort of just tasting the cake and saying, you know, this cake came from somebody, amazing cake from, you know, which had really healthy to have, you know, it's made of wheat and not made of maida for all the people who are very conscious about their health. This is the golden cake which have. मैं उस वीडियो को बनाकर मैं उसको उसके ऊपर ऐड कर दिया ना सुरभि को तो मतलब शेयर तो पहले दिन दूं क्या एंड आई विल रन आती हूं पूरी ना आई विल गो अहेड एंड रन एड्स ऑन दैट नाउ व्हेन आई रन एड्स ऑन दैट दैट इज अ लॉट ऑफ पुश मार्केटिंग सो हम लोग ये पोल एंड पुश कर रहे हैं सो आई विल लुक एट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज अ पुश मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैन कम अंडर बोथ द बकेट्स But over here, I'm taking it as a push marketing because I want to push people to go ahead and purchase my product. And my again, my other element is creating your landing page. Again, it is extremely important from a push marketing perspective. Because agar main kahin pe ad run kar rahi hu to mere bande ko jahan jo ad dekh raha hai uske paas ek page hona chahiye jaane ke liye. And the third element that I would request, I would do is, like they said, is Facebook and Instagram advertising. Whereas pull marketing wise, I use testimonials, active social media channels, and GMB as my pull and push marketing strategies. जहाँ पे मैं जाती हूँ कि लोग automatically मेरे पास आए. विशाल, आप इसमें कुछ add करना चाहेंगे? That is, I think that you have already covered most of the things what can be done in the. So this is going to be my go-to marketing strategy for anybody who comes to me and says. अपना एक लॉन्च करना है ब्रांड आई क्विकली वॉन्ट टू आर फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन इज अ पुश एंड पुल मार्केटिंग इन द ईजिएस्ट फॉर्म इज पुश मार्केटिंग इज ग्रेट फॉर न्यू बिजनेसेस इज ग्रेट फॉर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स एंड इज वेरी कॉस्ट इंटेंसिव बिकॉज इज अ पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू होता है वेर एज पुल मार्केटिंग इज फॉर एस्टैब्लिश बिजनेसेस बिकॉज आपको ऑनलाइन पीआर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको अच्छा कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा आपको अच्छे टेस्टिमोनियल्स चाहिए और आपको इसकी क्रेडिबिलिटी बैकिंग होनी चाहिए हैज फैंटास्टिक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अगर एक बंदा आपको अभी बोलेगा कि मुझे अदा चिकन से जाके परचेज करना चाहिए वो बात 10 साल तक नहीं होगी कि उस बंदे ने मुझे बोला था अदा चिकन से जाके परचेज करो एंड इट्स वेरी कॉन्टेंट इंटेंसिव अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है अगर अदा चिकन की कुर्ती खराब है तो आप वो याद रखोगे लेकिन अगर उसका कुर्ते अच्छे हैं तो वो भी आप याद रखो कॉन्टेंट द प्रोडक्ट इंटेंसिव बहुत इम्पोर्टेंट पड़ेगा
छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे मैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए. अगर मैं पुश मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नीड जनरेट कर रहा हूँ. हाँ. कहीं ना कहीं लोगों को नीड नहीं है, मैं उनको बोल रहा हूँ भैया ये ऑफर चल रहा है मेरे यहाँ से, सामान आके खरीद लो. नहीं ले रहा तो अभी मैं उसको और ऑफर दे रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं पुश मार्केटिंग की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो सामने वाले को सर्टेन डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट पुल मार्केटिंग, हम यहाँ पे नीड जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उससे एक रिलेशन बना रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस को बांट रहे हैं. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भैया मेरा चिकनकारी का काम है तो वहाँ के हमसे कपड़े खरीदो. हम बस सोशल मीडिया या एक्स वाई जेड जगह पे अपने ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं कपड़ों के बारे में, फैशन इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वो इम्पैक्ट दे रहा है. और जब उसको रिक्वायर्ड होगा, जब उसको ज़रूरत होगा, तो पहला नाम जो उसके दिमाग में आएगा सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेजेंट हूँ, तो पहला नाम मेरा ही आएगा और कहीं ना कहीं कन्वर्जन के चांसेस मेरे ज़्यादा होंगे. तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पुल मार्केटिंग. Split the presentation is, I think I'll take 15 minutes to wrap this up. We'll take a quick 5-10 minute break and then we'll roll back and we'll sit down and do the pull marketing section right after that. And then maybe we can do a couple of case studies internally. We'll probably step out to a more cooler section and you guys can then, we can have a one-on-one discussion on what are the challenges that you're facing and what kind of business strategy would both of us end up recommending to you for your business. So
पेड मार्केटिंग आप सब लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, आप सब उसके एक ऑडियंस हैं, आप कंज्यूमर भी हैं, आप सेलर भी हैं, बिकॉज सब लोग आप किसी ना किसी के टारगेट ऑडियंस में फिट करते हैं. सो पेड मार्केटिंग इज व्हेन अ बिजनेस और अ ब्रांड इज टारगेटिंग एंड इज पेइंग ऑनलाइन चैनल्स टू रीच आउट टू देयर कस्टमर्स. So it could, and we could focus on buyer interest, internet searches, past interactions with the business or a brand online. So agar I'll take Simran ma'am's example. Agar aap logon ne Kiro's website pe aap log gaye aur aapne Kiro's se you've left a cookie behind that and your search results are around Kiro's, then I can definitely go ahead and upsell Health Zone to you and say, you know what, you seem to be an health conscious audience, why don't you go ahead and experience our other product too. So I'm actually searching people through their past interaction and internet searches and then defining my character persona jisko mujhe target karna hai and base my entire marketing strategy around that. So marketing, paid marketing mein we have a couple of channels. I've not mentioned all of them. One of them is Google PPC ads, social media ads, influencer marketing, retargeting ads and display ads. This is what a pay-per-click ad looks like. So the ads that you see on the left-hand side are what your paid advertising on your feed looks like. So if I have searched Ada Chicken, so Ada Chicken is Ada Chicken's own ad. Because, and they are running ads on their particular, on their keyword itself, because there are other people who are using Ada Chicken as a keyword and running ads on it. So they want to come on top on that. And there's a House of Kari store, which is also run ads on their brand. And if you look at this particular advertising, these are called sales ads. There is another category which are called GMB ads, where I can promote, say if you're looking at top gyms around our area, or top digital marketing companies around this particular area, because you're sitting in my office, maybe in all likelihood my office will come on top. But if you're sitting in a place where all our offices are equidistant, then there is going to be a different algorithm that Google will use to push what comes on top for you. So agar Digital Jugglers wants to run ads on my B developer name, they can go ahead and do that. Then B developer have to counter. Luckily, we don't have such cat fights happening in this city, but that is how usually companies are trying to get each other's traffic onto their website. So I mentioned the kind of types, sales ads, GMB ads, feed ads, which are there. And what is the benefit of having these ads? Paid position, I can go, if House of Kari wants to come on top of Ada Chicken, unko apna zyada higher bid lagana padega, upar aa jayenge. Instant traffic. There are already people looking, there are tools online through which I can calculate ki Ada Chicken ke word pe har roz kitne log aa rahe hain aur main chahti hu ki mere paas uska ek chunk of traffic meri website par aaye. So I can have instant traffic on my website, which is relevant traffic, jo chicken khari khareedna chahte hain. Agar main unko bol rahi hu nahi, aapko Ada Chicken jana hai, aap jao, lekin mera product bhi ek baar check kar lo, maybe you find something better. Faster conversion, of course, according to algorithm which is available online and based on all the research and study which is being done consistently, you get 2% conversion rate of based on the traffic which is coming. So agar aapke website pe 100 log aate hain to 2 log zarur aapka product khareedenge. So you can do the math ki aapko kitne logo ko actually lana padega ki aapki sale usse zyada better ho sake. And better targeting, I can definitely target main kisko ye ad apna dikhana chahti hu. Agar main Lucknow ke bande ko ad dikha rahi hu to non likeliness wo bahut specifically आप एक अदा के स्टोर पे ही जाना चाहता है. लेकिन अगर मैं कनाडा में किसी को ये ऐड दिखा रही हूँ, देन दे आर विलिंग टू गो अहेड एंड ट्राई बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट प्राइस पॉसिबल. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में दिखा रही हूँ, अगर मैं इंदौर में किसी को दिखा रही हूँ, सो आई इफ आई सेगमेंट माई एड्स अकॉर्डिंगली, आई कैन हैव अ बेटर रिजल्ट ऑल टुगेदर. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस दैट आई कैन टेक अप? मानस हमारा स्मार्टफोन जो है वो हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानता है. एंड इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले भी मनाली का प्लान बनाया, हम लोग इसकी बात ही कर रहे थे कि 2 से 3 दिन बाद जो है हमको वहाँ से रिलेटेड चीजों के एड्स आने स्टार्ट हो गए. जैसे वहाँ का एक फ्लाइंग रेस्टोरेंट है, उसके एड्स हमको देखना स्टार्ट हो गए. तो बेसिकली हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो रही है, हम लोग जो भी बोलते हैं
अगर हम लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हमारी बातें सुनी जा रही हैं, हम लोग कहीं पे मूव ऑन कर रहे हैं, हमारी लोकेशन ट्रैक हो रही है। तो बेसिकली एज अ डिजिटल मार्केटर हम लोग यही चीजें करते हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटर में हम अपने टारगेट ऑडियंस को उसी तरीके से एड्स दिखा पाते हैं, हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि क्या चीज है उसके लिए रेलेवेंट। इसी में एड ऑन एग्जांपल एक और दूंगा, हम लोग और हब और मदद से अभी एक क्लाइंट हम लोग केटर कर रहे हैं रियल 11, जिसके लिए कंप्लीट पीआर सॉल्यूशन दे रहे हैं। रियल 11 की जनरली हम लोग बात करते रहते हैं कि उसकी और क्या नया कर सकते हैं, तो हम और मानस घूमते अगर एक मीटिंग भी बता ही रहे थे, सामने एक होर्डिंग देखा हम लोगों ने फेयर प्ले का, बस होर्डिंग देखा और हम लोग उसके बारे में बात करने लग गए। अगले दिन से फेयर प्ले के सोशल मीडिया पर एड्स हमारे और मानस के दोनों के सामने आने लग गए कि भैया फेयर प्ले। हमने कहा हम लोग तो केवल अभी एड्स के बारे में बात करने स्टार्ट किए हैं और सामने एड्स मुझे दिख रहे हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूँगा अभी, बिकॉज मैं करंटली एक चीज़ों पर वर्क कर रहा हूँ। ताइवान की एक कंपनी ने रिसर्च किया है ऐसे डिवाइस का जो लॉन्ग रन में होल्डिंग्स के साथ फिट हो जाएगा, और बेसिकली होल्डिंग्स के 20 किलोमीटर के रेडियस का डेटा जो है आपके सोशल मीडिया और हमारे गूगल एड्स के साथ सेंड हो जाएगा। जो काम हम लोग अपने गूगल एड्स के साथ और अपने फेसबुक एड्स के साथ करते हैं, पिक्सल इंटीग्रेशन के साथ दोनों के डेटा को मर्ज कर लेते हैं, वो डेटा हमारा ऑफलाइन जो मार्केटिंग है उसका डेटा भी मर्ज हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग न्यू इन डिजिटल। That's very interesting and very insightful, Manas. Thank you. And he's absolutely right. It will help us in the more data we have, the more information we have, we can make our audience, jinko hume ad dikhana hai, far more specific and get you better results. I would say 90% of our business is through GMB, but I don't give ads on GMB. जब वो sponsored दिखता है तो मुझे लगता है people they don't click because it's a push marketing. तो it is a kind of push marketing tactic जहाँ पे हम अपना portal को push कर रहे हैं। हमारी actual में कोई वहाँ पे ranking नहीं है, क्योंकि GMB में हम starting के top 3 पे rank नहीं कर रहे हैं, but हम चाहते हैं कि user को visibility रहे, क्योंकि user हमें नहीं जानते तभी हम उसके सामने आना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ पे अपनी starting में position कर रहे हैं, rank कर रहे हैं, हम टॉप पे दिखते रहते हैं कि शायद आपको पता है क्लिक नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे जो अलग 1,00,000 और 10,00,000 लोगों को टारगेट करने वाले अपने टारगेट लोकेशन पे, तो उनको सबको नहीं पता, वो तो एटलीस्ट बस गूगल पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे और जो टॉप 3 दिख रहे हैं उन्हीं पे चले जाएंगे। You're far more aware of how the digital universe works, but like for example, Meesha clearly said it's a dabba for her. She will go ahead and say, अच्छा ये टॉप पे यार रेबेका जी, she will not read ad है कैसा है, and suppose 5 keywords are there and you put GMB में when you do the optimization on 5 keywords, but there are plenty of other keywords जिसमें आपका ad optimized नहीं है, and you can check your competitors जो ऊपर आ रहे हैं, you can run the GMB ad. So that way you will be always remain on top 3 and some amount is spent, but that could be done and result will get. Now there are people who end up clicking on it. Until and unless you have to see what is the decision making parameter. Now if you go ahead and someone is running best bridal makeups in Lucknow, and if you say abhi sab log 25,000 30,000 rupees charge kar rahe hain bridal makeup ke liye, but you say 15,999 mein I'll give you a bridal makeup, they are bound to click on that because they'll get attracted to the price point, because a 10,000 gap will definitely attract, they will not look at ye ad hai ki nahi hai, so they will go over there, they'll have a look and then they'll see what kind of reviews do you have, do you have an active social media presence, are you a cheap floozy company jahan pe kuch ho nahi raha, do you, what kind of pictures do you have a dingy place to where you're going, how, what kind of clientele are you catering to, so it will be a blend of pull and push marketing where you have to work on your branding side by side. So moving on, I'll move on to the next slide, social media ads. This is one sort of ad that is there, which is lead generation, and then there are these other set of ads which are carousel ads. Social media ads are about 4-5 tareeke hote hain. They are, as a matter of fact, 32 different tareeke hote hain. But these are the top 4 in which I can put it in a category for you to understand. Lead gen ads are, agar I'm running a campaign for Glamazon, ki aap apna bridal makeup book kar sakte hain. Ya Meesha is running a campaign for her theater. कि आपका स्टूडेंट आपके बच्चा अब समर वेकेशन या विंटर वेकेशन शुरू हो रहा है, आई एम डूइंग अ 5-day वर्कशॉप, व्हाई डोंट यू सेंड योर किड्स, तो आई कैन गो अहेड एंड रन एन ऐड फॉर देम एंड दे विल लीव देयर नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिहाइंड एंड समवन कैन गिव देम अ कॉल बैक. स्टोरी एड्स, व्हेन यू फ्लिप थ्रू द स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम,
there's far more engagement on your story ads as compared to on your feed ads. Story ads mein aapke paas there is a far better understanding of wait a second. I'm getting very distracted. No, fuckers, sir. Mujhe actually na bahut stage fright hai. So mujhe na, I get very conscious, sorry about that. Story ads hote hai, to when you start clicking on them, there's far more engagement on your story ads as compared to your ads on your feed, because people tend to spend far more time on stories these days rather than go flipping on the feed. And then there are feed ads where you get carousel ads like these. And you get a static post. So if you're planning to launch a restaurant, for example, Pankaj sir is talking about that Asian cafe. Sir, did I get that name right? That Asian takeaway. So that Asian takeaway. So if I talk about that, and if they run the ads that, you know what, that Asian takeaway is giving fantastic prawn curry today for the next 2 hours, only in Alambagh area, it'll get far better traction because it's time specific and it's coming on people's feed, and it's just going to be a small little post and will start coming very aggressively on people's feed at that point of time. And carousel ad, like I showed you, is going to look like that. Benefits are, of course, there is brand awareness. So everyone will know that Asian takeaway kya hai around that area which he's trying to target. Instant brand push, automatically people are going to know. And the moment they cross that Asian takeaway or see a bag of that Asian takeaway or eat that Asian takeaway today, they'll automatically have a better brand recall, better visibility, and it's highly targeted. So that's a huge advantage. Like, for example, like Manas and Vishal just said, they were looking and talking about something and they could catch that conversation and push ads towards you according to that. So that's the second category. The third category is influencer marketing. This is one of my clients, Comfort Hotel Vista. We had a Gorakhpur visitor who came there, is doing some brilliant work on, you know, doing some stories around him. My client is extremely happy because she's doing stories about what kind of food they have, what kind of room service do they have, how has her experience been. And yeah, he's already started to get a lot of inquiries from Gorakhpur about weddings here in Lucknow. And this is another person who's actually promoting a certain event of nuclear happening in Lucknow, is it? In Palacio. So I got to know about this through an influencer. I was not really aware about what's really happening. So definitely a fantastic push, very credible push, because if I'm following both of them, then I trust their judgment and I would want to take actions according to that. So there are different types of, ye maine bahut hi apne hisab se likhe, ye thoda sa balanced nahi hai, because there is a paid version of it, there's a barter version of it. So I might pay Arhan Sheikh to go ahead and post this for me, and I might do a barter while I offer this girl, mere hotel mein aake 2 din ruk jaiye, but mere upar ye video bana dijiyega. And you could do a video post like the way the video post is there, and you could do a static post like that. Again, benefits, fantastic awareness, a lot of people know you, it's coming from a credible source, they will always remember. Creates a buzz, people, if there are 10 influencers talking about you, the whole city would know. That's how rapidly the word spreads. Fantastic credibility and highly targeted again. If I'm looking at, say, doing a story on Bhavya Kapoor, and I know there are a lot of people who are from tier 3 and tier 4 cities of Uttar Pradesh who are following her. And if I want to do an ad on, say, Lucknow Fashion Week or a bridal mohotsav happening here, then Bhavya Kapoor will be a fantastic catch for me. I'll tell her, please, mere liye ye barter kar lijiye, ya I'll do a paid post for you, do a video about the bridal mohotsav, and it will be highly targeted for me because I'm targeting exactly those women folks. Or if I do something around makeup artists, she can talk about it in a makeup academy. So that will give me very good results. So understanding, ये जो सारा जो ball game है ना, ये बहुत एक बहुत छोटी से ना thread से लटका हुआ है कि आपको अपनी audience की understanding कैसी है. आपको जितना वो depth में समझ में आएगा, उतने ही better आपके campaigns design हो सकते हैं. I hope Tarang sir, Manas and Vishal agree to that, है ना? And display and target retargeting marketing, ये एक बहुत interesting niche है. अब आप ये पेज, मैंने एक स्कूप वूप की वेबसाइट खोली थी, इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आते थे पहले, अब तो अपना नॉक सेंस इससे काफ़ी आगे है. इफ़ यू नोटिस दिस एड एंड द एड हियर,
दीज टू आर योर डिस्प्ले एड्स, ये आपके थंबनेल एड्स हैं. ये मैंने जब अदा चिकन सर्च करा था तो नूर उसी ब्रांड ने मुझे यहाँ पर फॉलो करा है. एंड ये एक और आयुगा करके ब्रांड है, इसने भी मुझे थंबनेल एड्स दिखाए हैं. ये एड जो यहाँ पर, इसको फ्लोटिंग एड बोलते हैं. ये सब का एक कन्वर्जन है कि मेरा ब्रांड, मतलब जो बंदा मुझे देख रहा है वो मुझे याद रखे. इससे शायद आपको कन्वर्जन नहीं मिले, बट जब मैं ये सेम ऐड अपने सोशल मीडिया ऐड पे देखूंगी, हाय आप ये चेयर लीजिए ना सर, लास्ट सीट, इसके बाद हाउसफुल है. राजपाल, अरे बाबा रे, अच्छा देन तो वी हैव टू शट द शो. Harsh Rajpal will take all the attention. We'll talk about running. Yes, so I think this is my last slide. After that, there's a very elaborate slide that I think Pankaj sir and Gurinder have already seen, but I'll show it to them again. Banner ads, retargeted ads, floating ads, thumbnail ads, I've already given you examples. Retargeting ads are very interesting concept, which I think Tarang sir and Vishal had happened to mention here. When you look at retargeting ads, agar maine, for example, I go to Bada Business ka website, and I go to a Bada Business website and I say, matlab, I'm looking for a good life coach, or I want to grow my business, and I see Bada Business website and I click on it. Bada Business captures some of my data. और उसके बाद अगर मैं ये आर्टिकल देखूंगी तो मुझे यहाँ पे बड़ा बिजनेस का ऐड दिखेगा. जब तक मैं वहाँ पे जाके लीड नहीं छोड़ती हूँ, वो मेरे साथ कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करता रहेगा. इट्स कॉस्ट इंटेंसिव, बट विल डेफिनेटली इंश्योर कि अगर मैं रिमोटली भी इसको परचेज करना चाहूँ, वो मुझे इतना फॉलो करेगा कि मैं जाके बोलूँगी, हाँ भाई ये लो मेरे पैसे, मुझे बताओ आगे क्या करना है. सो रीटारगेटिंग एड्स आर फैंटास्टिक फॉर कन्वर्जन, बिकॉज इट विल गिव यू दैट पुश कि Now I've seen Ayuga here. I know Ayuga is running a discount. I will go on my Instagram raat ko while baby, my baby sleeps. I'll be scrolling and I'll say Ayuga pe discount hai. Usko maine itni baar dekh liya that I will say, let me just go ahead and buy this product. Very simple. I mean, they play on your mentality to in such an extent that it will drive you crazy. The benefits of doing display and remarketing ads: visibility definitely gives your brand a lot of push. It creates a buzz around your brand, gives a website a lot of traffic push. It may not give you a lot of conversion because इसको हम सब लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आयुगा को जाके गुरिंदर ने शायद क्लिक कर दिया, बोलते हैं क्या बकवास है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं खरीदना, विल टर्न इट ऑफ. लेकिन एंड ब्रांड रिकॉल, इफ़ आई सी दिस ब्रांड इट विल कंटिन्यू टू स्टे इन माई माइंड बिकॉज आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स. अ वेरी बिग प्लस पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट्स वेरी चीप. I'll give you a small example. Sugnamal was my client here a couple of years back, and they had a 50% off. And I spent 3,000 rupees and I got them 11 lakh reach. तो लोगों को पता चल गया था सुगनामल में सेल है. अब उसके बाद वो आ रहे हैं, जिसको खरीदना था वो लोग पहुँच गए खरीदने के लिए. But 11 lakh people have seen कि मेरे सुगनामल में सेल है. The people who want to see, but there could be men folks who must have seen it, women folks, children. वो इतना इतना लेज़र टारगेट नहीं होता उसमें, बट डेफिनेटली गिव देम अ लॉट ऑफ कन्वर्जन. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, बिकॉज आई एम टायर्ड एंड बिकॉज दिस इज़ ओवर, आफ्टर दैट विशाल विल टेक ओवर. दिस इज़ हाउ आई वुड स्टडी आर इंटायर जर्नी ऑफ हाउ, वॉट इज़ अ स्फीयर ऑफ कंट्रोल. दिस इज़ समथिंग दैट आई मेड फॉर अ क्लाइंट, बट आई रियलाइज दैट इट्स वेरी गुड फॉर मी टू एक्सप्लेन. So maybe there's some words are here or there. There is an organic way, which I think Vishal is going to touch upon. There's an inorganic way. जहाँ पे हम लोगों को results 2 to 3 दिन में मिल सकते हैं. हम लोगों को अपने brand को discover कराना है. और एक बार discover हो जाए, उसके बाद हमारी credibility अच्छी होनी चाहिए जिससे मेरा conversion हो. मैं इस चीज़ को control करके रख सकती हूँ. जैसे अगर मैं अपनी डिस्कवरी में मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, गूगल पेड एडवर्टाइजिंग करी और गूगल रीमार्केटिंग एड्स करें, और मेरी क्रेडिबिलिटी में मेरे गूगल रिव्यूज़ बहुत ख़राब है तो मेरा कन्वर्जन नहीं होगा. मेरा लीडरशिप प्रोफाइल बहुत ख़राब है तो मेरा कन्वर्जन नहीं होगा. आई नीड टू हैव दिस एंटायर चेकलिस्ट रेडी. आई शुड नीड टू हैव फैंटास्टिक ब्लॉग्स, पीआर,
टू मेक श्योर दैट माई कन्वर्जन हैपन. ये मेरा स्फीयर ऑफ कंट्रोल है. एज एनी बिजनेस आपका ये चीज़ कंट्रोल में होना चाहिए. बिकॉज एक बार फिर से हम लोग अपना पुल मार्केटिंग का चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं. अभी हम लोगों ने जो एक छोटा सेशन किया था वो पुश मार्केटिंग में डेफिनेटली सभा जी ने काफ़ी चीज़ें इलाबरेट करी और हमने नई चीज़ें सीखी डेफिनेटली. पुल मार्केटिंग जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूज़र को कैसे अपनी तरफ पुल किया जाए, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सजेशन चाहिए होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन चाहिए होता है. तो हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे या कोई ऐसे सर्च इंजन पे. ये इट कुड बी गूगल, इट कुड बी बिंग और इट कुड बी एनी अदर याहू यू कैन टेक. तो सर्च इंजन पे जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की एडवर्टाइजिंग होती है. एक पे पर क्लिक, जहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग होती है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी ही देर पहले बात करी थी. अभी मैं जो बात करूँगा रिजल्ट्स के बारे में बात करूँगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे एज अ क्लाइंट हम गूगल को एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे बट गूगल के ऊपर सर्च रिजल्ट्स बना रहे हैं. तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जहाँ पे मैंने सर्च किया बीटेक एडमिशंस. तो हमारे पास किस तरह के सर्च रिजल्ट्स सामने आते हैं कोई सर्च इंजन पे या गूगल पे, तो ये वो है. स्टार्टिंग में हम लोग ऐड देख रहे हैं, ऐड ऐड ऐड, तीन ऐड हमारे पास आए. जैसा कि मैम का था भी कि हम लोग ऐड पर कभी क्लिक नहीं करते जनरली. ऐड के नीचे के जो पार्ट है यहाँ पे देखें कहीं पर भी ऐड नहीं है. ये SEO के रिजल्ट्स हैं जहाँ पे कोई भी एक भी पैसा गूगल के पास नहीं गया है. ये पूरे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं. डेफिनेटली ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लाने में टाइम लगता है. इसके अलावा कई बार आप जब चीज़ें सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, दो तरह की लिस्टिंग हमारे पास आती हैं. एक होती है लोकल या गूगल माई बिजनेस की लोकल लिस्टिंग जो हमारे करीब 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस को कवर करती है. ग्लोबल लिस्टिंग जो इसके ठीक नीचे स्टार्ट होती है. कुछ अगर पेड एड्स हैं तो वो होंगे डेफिनेटली, पेड एड्स के बाद हमारी सर्च रिजल्ट्स आएंगे. ग्लोबल लिस्टिंग जहाँ पे हमारी वेबसाइट दिख रही है और लोकल लिस्टिंग में हमारे डायरेक्शंस और सारी बाकी GMB जिसको हम लोग कहते हैं गूगल माय बिजनेस वो दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ डिजिटल जगलर्स. आपको GMB पे टॉप पे दिख रहा है बिना किसी काइंड ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग. तो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है अगर मैं पूछूं. सर्च इंजन को समझने से पहले समझते हैं गूगल काम कैसे करता है. जब हम सर्च करते हैं ना गूगल पे कुछ, तो हमारे पास रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं, कोई वेबसाइट क्यों टॉप पर होती है, कोई वेबसाइट क्यों सेकंड टॉप पर होती है, कोई क्यों 10th पेज पर होती है, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? अनस तुम तो ख़त्म ही कर दोगे. शिवेंद्र भाई कुछ बताना चाहेंगे कि गूगल पे कोई वेबसाइट क्यों टॉप पर आती है, कोई क्यों थर्ड पर आ रही है या कोई 10th पेज पर जा रही है? सिंपल सी बात है, उसमें कीवर्ड्स पड़ रहे हैं और जो कीवर्ड को सर्च करेगा सेम कीवर्ड्स, अब वो कीवर्ड्स भी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं. हाँ, आपकी जो प्रोफाइल का नीच है वो कस्टमर को पहले दिखे. एग्जैक्टली सर, आप कुछ कवर करना चाहेंगे? कोई भी कस्टमर होगा तो उसको पता होना चाहिए कि क्या कीवर्ड उसके लिए रिलेवेंट है. हाँ, सो बिफोर मेकिंग द वेबसाइट ही हैज टू तो बेसिकली गूगल की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्टन कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं. वो कीवर्ड्स क्या हैं, वो कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट होंगे, वो कीवर्ड्स पे कैसे हम अपनी वेबसाइट को कॉल करेंगे वो समझना इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या कीवर्ड्स हैं जो कितनी फ्रीक्वेंसी में गूगल पे सर्च हो रहे हैं मंथली बेसिस पे, कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे लैंड करा रहे हैं, जहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स वर्क कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं और अपने लिए उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं. तो मैं बता रहा था कि हाँ गूगल कैसे काम करता है. गूगल एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताएंगे तो क्योंकि बहुत टेक्निकल है, इसको इजी वे में समझना है तो ये समझ लेते हैं. गूगल एक छोटा सा वायरस छोड़ देता है इंटरनेट पर जिसको हम लोग क्रॉलर्स कहते हैं. वो गूगल के जितनी भी वेबसाइट बनती है सारे पेजेस पे घूमता रहता है. उसका केवल काम है घूमना और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अपने पास इंडेक्स करना, मतलब एक स्प्रेडशीट के फॉर्म में नोट डाउन करना. से एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें बेस्ट चिकनकारी स्टोर इन लखनऊ, उसको मिला, उसने अपने पास नोट डाउन किया बेस्ट चिकनकारी स्टोर इन लखनऊ और वो ब्लॉग किस वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर रहा है, से बेस्ट चिकनकारी स्टोर इन लखनऊ अदा को रीडायरेक्ट कर रहा है, उसने नोट कर लिया. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट पे वो गया और उसने नोट डाउन करना स्टार्ट करता रहा. उसने देखा कौन सी ज़्यादा ब्लॉग किस वेबसाइट पे ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं, से उसने कहा अदा ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं. तो एक पार्ट हो गया ये ऑफलाइन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग, जो हम लोग कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को कहीं ना कहीं उस पर रैंकिंग दे रहे हैं. गूगल ने समझा ठीक है, गूगल हमारी वेबसाइट पे गया, अदा पे गया. अब जो उसने वहाँ पे कीवर्ड देखा क्या वो हमारे ऑन पेज SEO पे उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ऑन पेज एसईओ में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, टाइटल, मेटा और हेडर जैसी कुछ टेक्निकल, वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, किसी भी वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिसको हम लोग ऑन पेज के नाम से जानते हैं, जो हम लोग जब पूरा कर लेंगे गूगल कहेगा हाँ ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे जाएगा, देखेगा लोडिंग टाइम क्या है इनकी वेबसाइट का, वेबसाइट फ्रीक्वेंट खुल रही है कि नहीं खुल रही है, ज़्यादा तो नहीं है कहीं ये, अगर खुल रही है चलो ठीक है, यूज़र जो आ रहा है वो कितनी देर रुक रहा है, बाउंस रेट ज़्यादा तो नहीं है, बाउंस रेट कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करने के बाद वो लोगों को रैंकिंग देता है, वो वेबसाइट को रैंकिंग देता है अपने सर्च पेजेस पे, जिसके बिहाफ पे हम देख पाते हैं गूगल के सर्च के रिजल्ट्स। तो डेफिनेटली जब हम लोग एसईओ कराते हैं इसी चीज़ों पे आप जिस भी एजेंसी को हायर करते हैं वो काम करते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी है, उसका ऑन पेज कैसा है, उसका ऑफ पेज कैसा है, उसको लिंक्स बिल्ड करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस इज एसईओ, दैट्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्रेस रिलीज। वेबसाइट के हम लोग लिंक्स बना रहे हैं, तो कौन सी वेबसाइट पर बना रहे हैं, कौन से हमारे लिए रेलिवेंट है, या प्रेस रिलीज़ की अगर मैं बात करूँ बहुत सारी होती है जनरली जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट को। यहाँ पे दो तरह के प्रेस रिलीज़ होते हैं, हम पूरा एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ेंगे, प्रेस रिलीज़ या पीआर मैनेजमेंट। जब भी हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, ये अलग अलग वेबसाइट पे जा सकते हैं आपके बारे में आर्टिकल, इट कुड बी ऑन आज तक, इट कुड बी ऑन जी न्यूज़, यहाँ पे मैं एग्जांपल, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डिस्क्लेमर, नॉन डिस्क्लेमर, जो यूज़र जनरली नहीं देखता, एक आर्टिकल के एंड में एक डिस्क्लेमर लिख के आ जाता है, जहाँ पे वेबसाइट्स हम मतलब जैसी एजेंसीज़ को एक चांस देते हैं कि यहाँ पे हम अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, डेफिनेटली उसके सर्टेन चांसेस मतलब पेड करना पड़ता है। नॉन डिस्क्लेमर आर्टिकल जहाँ पे हम मीडिया पेश करते हैं उनके लिए कि क्या इस क्लाइंट के लिए हम आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे लिख सकते हैं, उसका क्या टाइटल रहना चाहिए, क्या स्टोरी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये काफ़ी लंबा थोड़ा सा प्रोसेस है, बट हाँ डेफिनेटली इस तरह से भी काम किया जाता है। तो एक केस स्टडी है मीडिया मैनेजमेंट, जो हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव दिल्ली में किया पुष्कर राज ठाकुर जी के लिए। यूट्यूबर हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं। इनके अगर मैं सब्सक्राइबर बेस की बात करूं, 6.17 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे करेंटली हैं इनके आज के। अगर मैं बात करूं इनके व्यूज़ की, पर वीडियो के व्यूज़ अराउंड इनके 6 से 7 लाख व्यूज़ पर वीडियो पे जा रहे हैं, जनरल जाते हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने एक सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव किया था, जिसके अंदर में इन्होंने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये हमसे जब मिले तो इनका एक मोटिव था कि जिस तरह से मेरी वीडियोस वायरल होती हैं, मेरा यूट्यूब पे सारे फॉलोअर्स आते हैं, आप देखते हैं हम जिस लेवल पे हैं, वैसे ही पीआर मैनेजमेंट भी होना चाहिए, लोगों को पता रहे कि ये इवेंट हुआ है दिल्ली में तालकटोरा में, तो आप क्या कर सकते हैं। वो एक प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आए, तो हमने कहा ठीक है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो क्योंकि ग्रोथ कॉन्क्लेव था, वहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था, तो हमने उनको सर्टेन मीडिया हाउसेस दिए कि यहाँ यहाँ पे आपके आर्टिकल पब्लिश किए जा सकते हैं आपके इवेंट के से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे इवेंट को समझना इम्पॉर्टेंट था, वहाँ पे क्या हो रहा है ये समझना इम्पॉर्टेंट था, उसके बेसिस पे हमने उनको मीडिया पिच किया। तो एक ये, देन आफ्टरवर्ड्स आप देखेंगे जो मीडिया कॉन्क्लेव था उसको CNBC ने भी कवर किया, जो छोटा सा वीडियो बाइट मैं इसको बढ़ा के आगे मतलब आपको दिखा के आगे बढ़ूंगा। तो तो बेसिकली इस तरह से हम लोग अलग अलग चैनल्स पे लेके गए, ना सिर्फ ऑनलाइन कवर किया बल्कि हम टीवी पर भी आए और साथ साथ इसको ऑफलाइन मोड पर भी हमने कवर किया, जहाँ पर हमने कुछ डिजिटल फॉर्म में जी न्यूज़, NDTV, द वीक जैसी वेबसाइट्स कवर करी है, जो स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे ना सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव, तो आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिलेंगे, मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स मिलेंगे, जो आपको दिखेगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे ये कवर हुआ है ये इवेंट। जनरली ऑफलाइन न्यूज़पेपर में भी हम लोगों ने कवर किया इस पर्टिकुलर इवेंट को, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम्स जैसे और भी बहुत सारी वेबसाइट और न्यूज़पेपर थे जिन पे ये आर्टिकल गया। अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पेड है किसी भी तरह का, क्योंकि ये प्रेस रिलीज हम लोगों ने कराई जहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो हमें कंटेंट मिला, हमने पहले वहाँ पे पेश किया कि क्या टैगलाइन हम दे सकते हैं उस पर्टिकुलर न्यूज़ को लाने के लिए यहाँ पर, जब वो अप्रूव हुआ तब हम आगे लेके गए। तो ये एक प्रेस रिलीज़ कराने का प्रोसेस है। रिजल्ट्स ऑफ डिजिटल पीआर ऑन गूगल, अगर आप देखेंगे क्या रिजल्ट्स आए उस एक्टिविटीज़ के, क्या उनको बेनिफिट्स हुए, तो ये रिजल्ट्स हैं। अगर आप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, अगर आप सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इससे जितना भी स्क्रॉल करेंगे आपको अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर ग्रोथ कॉन्क्लेव के बारे में। क्या क्या बेनिफिट्स हुए, इट जनरेट्स पब्लिसिटी, एक अच्छा
पब्लिसिटी इनको जनरेट हुआ, हेल्प इन रेजिंग द अवेयरनेस, लोगों को पता चला कि हाँ सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव पुष्कर राज ठाकुर ने किया, जो एक सबसे बड़ा ग्रोथ कॉन्क्लेव था जहाँ पे 3000 लोग एक बारी में आके सीख के गए इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के बारे में उस कॉन्क्लेव में. क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ योर ब्रांड, डेफिनेटली हेल्थ इन बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है. यहाँ पे किसी ने भी कोई भी तरह की पोस्ट मार्केटिंग नहीं करी, एक काइंड ऑफ पुल मार्केटिंग जहाँ पे लोग खुद से अट्रैक्ट होकर आए इन मीडिया के थ्रू. बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स हैं पीआर के बारे में, मतलब अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है डिजिटल पीआर को कराने का या अपनी वेबसाइट्स पे अपने आर्टिकल्स को किसी वेबसाइट पे पब्लिश कराने का, तो ये देख लेना चाहिए. एक हमारे क्लाइंट हैं बाहर के मिथ्स एमजे कैटरल, तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन आया कि यार मेरा तो पीआर काफ़ी अच्छा है विशाल, और देखो मैं फोर्स पर भी एंटर हुआ हूँ, मैं फ्रंट पेज पर हूँ. मैंने कहा अच्छी बात है, एक बार आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए. तो उन्होंने भेजा ये स्क्रीनशॉट हमें, जो एक मिनी फोर्ब्स करके वेबसाइट चलती है उसका है, और उनको अभी तक लग रहा था ये फोर्ब्स पे पब्लिश हुए. तो कहीं ना कहीं इस तरह की फेक एक्टिविटीज़ से हमें बचना चाहिए. ये तभी हो पाएगा जब हमें अवेयरनेस होगी कि क्या चल रहा है मार्केट में. पीआर इज़ जस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग, काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग यू कैन से, बट उससे काफ़ी ज़्यादा है पीआर. लिमिटेड, नॉट लिमिटेड टू जस्ट एडवर्टाइजिंग. द ओनली बेनिफिट ऑफ अ प्रेस रिलीज इज़ मीडिया कवरेज. केवल मीडिया कवरेज मिल जाता है ऐसा है क्या? पीआर कराने से केवल हमें मीडिया कवरेज मिल जाता है ऐसा है? नहीं, आप मीडिया कवरेज के साथ साथ लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आपका ऑडियंस और वाइडर हो रहा है, ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है. नोबडी रीड्स पीआर दीज डेज, ऐसा भी कुछ भी नहीं है. बाय इंक्लूडिंग इमेजेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया पीआर कैन बी मोर अट्रैक्टिव. और डेफिनेटली आप देखते हैं आजकल हर वेबसाइट का एक एप्लीकेशन है जो लोग डाउनलोड करके घूम रहे हैं. जैसे ही आपके बारे में प्रेस रिलीज हो रही है, पॉपअप आ रहा है, लोग कहीं ना कहीं रीड कर रहे हैं. देयर कैन बी नो फेक पीआर. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मिनी फोर्ब्स का. इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट चल रही हैं जो आपको लगेगा कि हाँ मैं तो यहाँ पे पब्लिश होने वाला हूँ, बट वो हो सकता है वेबसाइट कोई एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ कोई 18 साल का 20 साल का लड़का चला रहा हो. ओनली नॉन डिस्क्लेमर पीआर वर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है. पीआर डिस्क्लेमर हो या नॉन डिस्क्लेमर हो, दोनों ही काम में आते हैं और दोनों ही हमारी ब्रांड को एस्टैब्लिश कराने में हेल्प करते हैं. सो सोशल मीडिया पेज वेरिफिकेशन, जो एक काइंड ऑफ पुल मार्केटिंग का एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोग अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं. ये क्यों होता है, पेज वेरिफिकेशन क्यों कराया जाए अगर मैं बात करूं, तो कोई आइडिया क्या हेल्प है पेज वेरीफाई कराने से? या पेज वेरीफाई कोई सर्टेन लोगों का ही होता है? हाँ, अ काइंड ऑफ ब्रांडिंग एक्टिविटी टू गेन मोर ट्रस्ट, मोर क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली. तो एक छोटा सा केस स्टडी है, आप देखेंगे फ्लाइंग मशीन मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अमिताभ बच्चन लिखा, हमारे पास कितने सारे अकाउंट्स आ रहे हैं. और इंडिया में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ऐसे अकाउंट बनाते हैं और लोग फॉलो करना चाहते हैं. तो कैसे हमें पता चलेगा जो हम अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हैं, जो हमारा रोल मॉडल बचपन से रहा है, जिसको हम KBC में देखते हैं, ये वही अमिताभ बच्चन है? और से एग्जाम्पल, मैंने गलत अमिताभ बच्चन को फॉलो कर लिया क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं, वो जो करते हैं मैं आँखें बंद करके उनको फॉलो करने लग जाऊँगा. अब हो सकता है गलत अमिताभ बच्चन मुझे गलत चीज़ों के बारे में सीख देने लग जाए, या गलत एडवर्टाइजिंग वेबसाइट के बारे में फॉलो करने लग जाए, या कोई ऐसी वेबसाइट को एडवर्टाइज़ कर दे जिसके हो सकता है मेरी लत ख़राब लग जाए. तो मुझे पता होना चाहिए अमिताभ बच्चन कौन सा वाला है, इसलिए ये वेरिफिकेशन टिक दिए जाते हैं सोशल मीडिया. जब भी मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, वो आपसे पूछता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग क्या है, उसके बेसिस पे वो आपको एलोकेट करते हैं. और इसके लिए भी सर्टेन PR रिक्वायर्ड होता है कि आप अपने आपको एज अ ब्रांड कहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपकी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए. तो कुछ रिसेंटली वेरीफाइड हमारे साथ मानस बैठा हुआ है, जिसका भी हम लोग फेसबुक पेज वेरीफाई कराए. नेक्स्ट हमारे क्लाइंट कैली ली मार्केस. डेफिनेटली इसमें एक PR का बहुत बड़ा रोल है जिसमें हम लोग कर सकते हैं. मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट वेरीफिकेशन, ओनली सेलिब्रिटीज़ कैन गेट वेरीफाइड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपकी प्रेजेंस क्या है, क्या लोग आपके नाम पर ठगी कर सकते हैं ऑनलाइन पे, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं शॉर्ट में बोले दो, तो आपको दिखाना है कि नहीं मेरी प्रोफाइल है और मेरे नाम से ऐसे चीज़ें हो सकती हैं. यू शुड हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स टू गेट वेरीफाइड. लोगों का मानना है कि हमें बहुत सारे फॉलोअर्स रिक्वायर्ड हैं सोशल मीडिया पे. तो मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे कैली के 3,300 फॉलोअर्स हैं, वेदर मानस के 16,000 फॉलोअर्स हैं. तो फॉलोअर्स इज जस्ट अ नंबर टू गेट द थिंग्स डन, ऐसा कुछ भी नहीं है. अदर सिग्निफिकेंट चैनल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जैसे कि पुल मार्केटिंग हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ने PR कवर किया, हम लोग ने SEO कवर किया,
डेफिनेटली सबा जी ने सोशल मीडिया के भी बहुत सारे चैनल्स कवर किए थे जहाँ पे हम लोग पुल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पुश मार्केटिंग। अभी हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को किस तरह से पुल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली हम सबका एक सोशल मीडिया पेज बना होगा, हमारे बिजनेसेस का बना होगा जिसको हम लोग रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहे होंगे। सर्टन पोस्ट, सर्टन स्टोरीज, रील्स, जो भी नई चीज़ें आती हैं डेफिनेटली, जैसे हमने देखा अभी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पहले वीडियोस नहीं थी या वीडियोस आई, फिर IGTV आया, देन स्टोरीज़ के फॉर्म में हमने इंट्रोडक्शन देखा स्टोरीज़। आज देख रहा हूँ कि रील्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। लोग पहले इंस्टाग्राम पे जाते थे, केवल इमेजेस दिखती थी, वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डाल नहीं सकते थे। आज के टाइम में हम लोग वीडियोस और रील्स के फॉर्म में वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा डाल रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें एलैबोरेट हो रही हैं, तो हमें समझना पड़ेगा उनके एल्गोरिथम किस चीज़ को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर रही है। छोटा सा एग्जांपल लूँगा, पहले आप फेसबुक पे देखेंगे पोस्ट डालते थे बहुत सारी रीच मिलती थी बिना पे करे, अभी रीच निल हो गई है, अभी रीच है ही नहीं वहाँ पर। वही अगर आप पोस्ट डालें जॉब से रिलेटेड फेसबुक पे, तो रीच भर भर के आएगी, आपके पास CVs भर भर के आएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, सॉरी फेसबुक पर। तो फेसबुक जिस फीचर को प्रमोट करना चाहता है उसकी रीच डेफिनेटली ज़्यादा रहती है। अभी तो फेसबुक पर जॉब पोस्टिंग बंद हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। तो ये आपका कंटेंट, आप किस तरह का प्लान कर रहे हो, ब्लॉग्स किस तरह के लिख रहे हो, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ पुल मार्केटिंग, जो हम लोग अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम इसमें? ब्लॉगिंग इज़ एन इफेक्टिव ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑडियंस एंड प्रोवाइडिंग देम द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स देम सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के लिए से शिवेंद्र भाई बड़ा बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगर शिवेंद्र भाई एक सीरीज़ रन कर रहे जहाँ पे लोगों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वो ऐसे ही सॉल्यूशन दें इन टर्म्स ऑफ वीडियोस या डायरेक्टली एक 1-to-1 सेशन के थ्रू, तो हो सकता है जब हमें कुछ भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट हो तो सबसे पहला नाम हम शिवेंद्र भाई का ही लें। और हो सकता है ये गूगल पे कर रहे हो तो शिवेंद्र भाई की वेबसाइट पे जाके हम उनके ब्लॉग्स पढ़ रहे हों, या XYZ चीज़ें हो सकती हैं, इनकी वीडियोज़ देख रहे हो। सोशल मीडिया पे शिवेंद्र काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपनी वीडियोस डालते रहते हैं, लोगों को एजुकेट करते रहते हैं क्या नया है क्या नया नहीं है। तो जनरली अगर जब हम ये सभी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं शिवेंद्र के थ्रू, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा इंट्रैक्शन शिवेंद्र के थ्रू से साथ ज़्यादा हो रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो पहला फ़ोन मैं शिवेंद्र को घुमा रहा हूँ कि शिवेंद्र ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवेंद्र मेरे पास एक सबकॉन्शियस माइंड में लगातार बना हुआ है। तो शिवेंद्र ने कभी हम अपनी सर्विसेज मेरे को पुश नहीं करी कि विशाल मेरा ये XYZ प्लेटफॉर्म ये है जिसको तुम परचेज कर सकते हो और सॉल्यूशन ले सकते हो, लेकिन वो मेरे को हिंट दे देता है कि ये सर्विसेज के ये सॉल्यूशंस हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो जब भी मुझे प्रॉब्लम होगी और मुझे लगता है कि मुझे परचेज करना होगा, मैं ऑटोमेटिकली शिवेंद्र को कॉल करूँगा, भाई मेरे को ये अलग तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पुल मार्केटिंग जहाँ पे हम लोग एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। शिवेंद्र ने अपने आप को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया मेरी हेल्प करते करते, और मुझे इसके अलावा कोई और नाम याद ही नहीं आता। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा चिकन के, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लिए लेकिन बार बार घूम फिर के अदा का नाम सामने आ रहा था लखनऊ में। सो एनी क्वेश्चन अबाउट पोस्ट और पुल मार्केटिंग? सो मैकेनिज्म बेसिकली आपके प्रोडक्ट को, आपकी इंडस्ट्री को समझेंगे, जिसके बेसिस पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कौन कौन सी वेबसाइट आपकी नीच के लिए सही हैं। जिसके बेसिस पे हम दो तरह के आर्टिकल हैं, एक पब्लिश्ड, एक डिस्क्लेमर, एक नॉन डिस्क्लेमर पेयर, जो हम आपको सजेशन में बताएंगे कि ये हमारे पास डिस्क्लेमर है या यहाँ पे नॉन डिस्क्लेमर भी जा सकते हैं। वाइल टॉकिंग अबाउट नॉन डिस्क्लेमर, यहाँ पे सर्टन गाइडलाइंस है जो हमें रेगुलर मीडिया पिच करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है कि क्या आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश हो सकता है, उसका क्या टैगलाइन होगा और वहाँ पे राइटअप्स किस तरह का होगा। डेफिनेटली आगे से अप्रूवल आने के बाद, आपसे अप्रूवल आने के बाद वो पब्लिश होगा। आपका जो भी अप्रूवल आएगा उसमें कुछ कट शॉर्ट डेफिनेटली होगा मीडिया हाउस में, उसके बाद वो चीज़ें पब्लिश होगी। देखिए यहाँ पे PR के दो फॉर्म्स, यहाँ पे जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी रीच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सपेंसिव है सच कुछ भी नहीं, जब यू आर बिल्डिंग योर ब्रांड आपका सर्टन एक फिक्स आपका एडवर्टाइजिंग का बजट होता है, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है। अब रीच देखो कितनी है, देखिए यहाँ पे SEO बहुत बड़ा हो गया, PR एक सर्टेन ब्लॉग हो गया जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं। SEO में आप कीवर्ड्स टारगेट करते हो, कितने कीवर्ड्स का कर रहे हो उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करेगी। PR में आप कितने आर्टिकल ले रहे हो, कौन सी वेबसाइट पे ले रहे हो उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करेगी। तो मतलब ये क्वेश्चन
थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बता पा रहा एक्सपेंसिव है कि नहीं। अब हो सकता है मैं बोलूँ 5 कीवर्ड के बेसिस पे हो सकता है ट्रिकी हो आपके लिए, पीआर एक्सपेंसिव हो, लेकिन अगर आप 50 का एसईओ कर रहे हो तो पीआर सस्ता पड़ेगा।